नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरोची वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हमारे मीडिया जगत के लिए, खास करके जम्मू जिला के पूर्णिया क्षति है, प्रिंट मीडिया के जाने माने पत्रकार बहुत व्यवहार कुशल मनोज राय हम लोगों के बीच आज नहीं है। तमाम जगत के लोग, चाहे वो मीडिया सेक्टर हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षक बंधु हो, तमाम लोग आज इस महान आत्मा को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी कमाई यही होती कि आप व्यवहार कितना अच्छा कमाएं। इस भीड़ को देखकर लगता है कि मनोज राय एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो कभी भूले नहीं जा सकते, क्योंकि तमाम समाज के लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के यहाँ टूट पड़े। हालांकि दुख की घड़ी में हमारी पूरी मीडिया की टीम उनके साथ संवेदना व्यक्त करती, लेकिन जाना तो सभी को है, लेकिन जाते जाते धन के साथ कुछ जन भी कमा लें तो जीवन सदुपयोगी हो सकता है। देखिए हमारे कुमार मीडिया कौशल सिंह जुड़ रहे हैं, जो शिक्षक के लिए हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। सर, आज क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, पूरा जम्मू जिला ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षकों को इनसे लगाव था। एक पत्रकार के रूप में, एक भाई के रूप में प्रेम हम लोगों को दिए। मेरा घर जमुई होने के नाते बिहार के विभिन्न जिलों के शिक्षक यहाँ आते जाते रहते हैं। सबसे इनका प्रेमवत व्यवहार था और हम लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा हितैषी आज खो दिया है। और शिक्षक समाज में शोक का लहर है। सुबह से हम तो यहाँ घर पे हैं, 2 घंटे से पूरे इलाके के शिक्षक यहाँ पे आ रहे हैं। हर वर्ग के लोग, अभी जैसे तमाम पत्रकार भाई इधर हैं, पार्टी के लोग हैं, विभिन्न पार्टी के लोग हैं, समाज से भी। तो ये एक बहुत गहरा हम लोगों को आघात लगा है इनके निधन से, और अपूर्णीय क्षति है समाज के लोगों को, अपूर्णीय सभी प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भगवान से इनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, ऐसा कामना करते हैं। हमारे साथ जाने माने जिला के ये एडवोकेट, साथ साथ पत्रकार रूपेश सिंह जुड़े हैं। सर, आज अचानक मनोज जी का जाना, हम लोगों में मीडिया जगत में सर शोक की लहर दौड़ गई, सर क्या प्रतिक्रिया है? सर देखिए, जाना तो सबको एक दिन है सर, लेकिन हमारे मनोज जी इस तरीके से चले जाएंगे इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी की नहीं की थी। वो एक निर्भीक पत्रकार थे हमारे साथ, उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी और उनको मैंने देखा था कि कभी भी मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए अगर सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी हो तो हमारे साथ वो एकजुट रहते थे। आज मैं इस दुख की घड़ी में कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आज वो परिवार जिस मुश्किल स्थिति में है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। पूरा पत्रकार जगत, जम्मू के लोग उनके साथ खड़े हैं और मैं बहुत मर्माहत हूँ। मैं ईश्वर से इतना ही कामना कर सकता हूँ कि मनोज जी जहाँ भी हैं उनको ईश्वर अपने शरण में लें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। हमारा पूरा पत्रकार जगत और सभी अच्छे लोग जो समाज में अच्छी पत्रकारिता का सम्मान करते हैं, वो मनोज जी के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। मुख्य प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज अचानक मनोज जी का जाना? सर, मनोज भैया यहाँ के हर युवाओं का एवं हर अभिभावकों के जुबानी हुआ करते थे। हर कोई सोनो जाते ही मनोज दा की नाम हर किसी के जुबान में हुआ करता था। और जहाँ तक रही बात सर हमारे व्यक्तिगत, मैं शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया तो हर हमेशा इनका मार्गदर्शन, सुझाव हर हमेशा मिला करता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन मिला करता था। उनके मार्गदर्शन के आधार पर मैंने जो भी सामाजिक प्रयास कर पाया, मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ उनकी सुझाव को। और उनके आज नहीं रहना हमारे कागेसर पंचायत के लिए काफ़ी अपरणीय क्षति हुई है। हम समझते हैं कि काफ़ी जतन के बाद भी फिर मनोज भैया का व्यक्तित्व और व्यवहार को कागेसर पंचायत के लोग नहीं ला सकते। और जिंदगी भर हम लोग जब छुबा हम लोग हैं, उनकी व्यक्तित्व को कभी भुला नहीं जा सकता। मैं इस दुख के बेला में सत्य होने के नाते ही नहीं बल्कि मेरे जीवन के एक कड़ी थे और सामाजिक रूप से इतने घुले मुले थे कि आज भी हम जम्मू की धरती की, बिहार की धरती भी उन्हें याद करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसके निधन से जम्मू जिला का एक स्तंभ, चाहे उनसे घुले मुले लोग सदियों से याद रखेंगे। यह तो प्रकृति का नियम है कि सांझ उषा का आलिंगन, विरह मिलन का, यह मानव जीवन का, मानव का इस महा मिलन में मैं उनकी आत्मा की सहानुभूति के लिए उनसे नमन करता हूँ। और अंत में यही कहता हूँ भारत की धरती से कि आप उसे अमर धरती में पैदा करने का जो सौभाग्य दिया है उसे बने रहें। और अंत में किसको नमन करूँ मैं, भारत किसको नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश दे या उनको नमन करूँ मैं, वो तो मेरा प्यारा कड़ी जिसको मैंने खोया। चकाई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मंडल जुड़े हैं। सर, आज अचानक इस पत्रकार का जाना मनोज राय जी का, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप लोग?
आज सोनो प्रखंड के लिए सबसे दुखद दिन है और आज कुछ भी कहना है, पूरे प्रखंड के लोग और जिले के भी लोग आज ये कभी महसूस नहीं कर रहे थे कि मनोज भैया हम लोग के भी चले गए और उनका कमी हम लोग तमाम सोनो वासियों को, चकाए वासियों को हमेशा खलेगा और इनके पूर्ति कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पत्रकार थे, दूसरी बात है कि इनकी महानता इतनी अच्छी थी कि एक बच्चे, बूढ़े, एक सामान्य लोगों से भी बात करते थे, उनकी भी समस्या को वो लिखने का, प्रकाशित करने का काम करते थे। और आज हम लोग पूरे लोजपा परिवार इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं। पता ये चल रहा सांसद चिराग पासवान भी मर्माहत इस घटना को जानकर। जी जी, इनकी सूचना हम लोग के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के नेता को जानकारी हो गई है, उनका सूचना भी हम लोगों ने किया है उनसे और उनका आदेश भी हुआ है कि हम तो अभी दिल्ली में हैं, हमारी बात उनसे कराई जाए। लेकिन परिवार की व्यस्तता को देखते हुए, उनकी चिंता को देखते हुए हम लोग का हिम्मत काम नहीं कर रहा है कि हम उनसे, माननीय सांसद जी से बात कराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद जी यहाँ ज़रूर संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगे। और आज का दिन सोनो प्रखंड के लिए आज अत्यंत ही दुखद दिन है और इससे दुखद क्या हो सकता है। और किसी भी साथी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग के बड़े भाई इस दुनिया छोड़ कर चले गए हैं, और ख़ासकर मुझे भी विश्वास नहीं होता। जब मैं मीडिया ग्रुप को मैं भी जुड़ा हूँ, मैं देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक दो पत्रकार साथियों से हमने बात किया और मुझे भी जानकारी हुई, हम बाहर में हम लोग साथी थे, वहाँ से तुरंत आए, माननीय सांसद जी से भी हमारी बात हुई और इनके बारे में सूचना दी है। सांसद जी काफ़ी मर्माहत हैं, तो काफ़ी दुखी हैं और सांसद जी बताए हैं इतना जल्द हो सकेगा मैं उस परिवार से आके मैं ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू। और अभी भी उनका आदेश था कि आप जाके उस परिवार के लोगों से हमारी बात कराएं, लेकिन आज काफ़ी दुखद दिन है। आज यहाँ की मतलब स्थिति देखते हुए हम लोग को भी दिल काम नहीं कर रहा है कि हम किस परिस्थिति में उनसे बात कराएं। ठीक है सर। बताते चले पत्रकार की मौत की दुखद घटना सांसद चिराग पासवान को हुई है, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त करते हुए अपने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी संजय मंडल को यहाँ भेजकर अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा हमको परिजन से बात कराइए, लेकिन परिजन इतना अभी अत्यंत व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाई। लेकिन जैसा कि संजय मंडल ने कहा, हो सकता है सांसद चिराग पासवान इतने मर्माहत हैं कि वो खुद इस परिजन से मिलकर ढांढस बना के काम करें। देखिए दर्शकों, जनप्रतिनिधि वही अच्छा और सच्चा होता है जो कम से कम दुख की घड़ी में किसी भी जनता या किसी भी कार्यकर्ता के दुख की घड़ी में साथ खड़े। देखिए हमारी